एमबीबीएससी के परीक्षा प्रश्न पत्र में भील जनजाति को आपराधिक प्रवृत्ति का बताने पर अब बवाल मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से माफी की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपीपीएससी की परीक्षा में भील जनजाति को लेकर किए गए एक सवाल पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी है। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने ट्वीट कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव रेणु पंत और आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ में उन्होंने कहा कि इन जिम्मेदारों को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। पंधाना विधायक राम डांगोरे ने कहा कि सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस गलती के लिए माफी मांगे। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सीएम कमलनाथ से माफी की मांग की है। समाज का भील और भिलालों का इस तरह का अपमान सरकार खुद आगे आकर करे। एमपीपीएससी के प्रश्न पत्र में सीधे सीधे दो प्रश्नों में ये स्पष्ट होता है। एक में तो उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि भील और भिलाला समाज आपराधिक प्रवृत्ति से ग्रसित है, और दूसरी तरफ उनके जो कर्जा है उसको लेकर भी अनर्गल बातें की गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार छाती पीट पीट कर ये प्रचार करने की कोशिश करती है कि वो आदिवासी समाज का उन्नयन करना चाहती है, और उसके विपरीत उनको हतोत्साहित करने के लिए और अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे ऊपर सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। जब बड़े आदमियों की सरकार होगी, जब साम्राज्यवादियों की सरकार होगी, जब सेठों की सरकार होगी, जब पैसे वालों की सरकार होगी, तो गरीब का, आदिवासी का इसी तरह अपमान होगा। ये शर्मनाक है। इस पर सीधे सीधे कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा है, कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद रहे हैं और सुपर मुख्यमंत्री जी के भाई हैं। उन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है। कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। संपूर्ण आदिवासी समाज के सामने आकर सरकार को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का आदिवासियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सहन नहीं करेगी। दरअसल एमपीपीएससी की परीक्षा में भील जनजाति को लेकर एक गद्यांश दिया गया था। इसके आधार पर कई सवाल पूछे गए थे। इन्हीं सवालों और गद्यांश को लेकर बताया जा रहा है कि भील जनजाति का अपमान किया गया है। गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा गया और बताया गया कि भील जनजाति शराब के अथाह सागर में डूबती जा रही है। समाज के लोग गैर वैधानिक और अनैतिक कामों में संलिप्त होते हैं। भीलों की आपराधिक प्रवृत्ति का कारण देनदारियों को पूरा न कर पाना है। भील की आर्थिक विपन्नता का कारण आय से अधिक खर्च करना है। अब इस प्रश्न को लेकर सियासत गर्मा गई और बीजेपी सीएम कमलनाथ से माफी की मांग पर अड़ गई। कुल मिलाकर एमपीपीएससी में पूछे गए इस प्रश्न से प्रदेश भर के भील समुदाय में आक्रोश है और सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। एमपीपीएससी के पेपर में जो पूछा गया है भील समाज के बारे में, उनको शराबिया या अपराधी प्रवृत्ति लिखा है, घोर आपत्तिजनक है, अपमानजनक है। और मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहूंगा कि क्या भारत में या कांग्रेस ने भील समाज का इतिहास नहीं पढ़ा? क्या टाट्या भील के बारे में नहीं सुना, जिनने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया? क्या शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में हमने नहीं सुना, जिनने आजादी की जंग में चाचा भतीजी कूद गए हो और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हो? मेरा फिर कहना है कि कांग्रेस और कमलनाथ जी इस बारे में विचार करें कि ये जो पेपर में समाज जो छपा है और जो प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में, ये भील समाज का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का अपमान है। भील समाज के वो लोग हमारे लिए आदरणीय है जो सबरी माता के जिस समाज ने दिया हो, राम ने जिसके जूठे बेर खाए हो, उस समाज के बारे में अगर आज भी कांग्रेस की ये धारणा है तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। कमलनाथ जी माफी मांगे, प्रश्न पत्र बनाने वाले पर अपराध प्रकरण दर्ज करें और भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो, इसकी समुचित व्यवस्था करें। कुल मिलाकर एमपीपीएससी में पूछे गए इस प्रश्न से प्रदेश भर के भील समुदाय में आक्रोश है और सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।